सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो बच्चों, आज की इस क्रिएटिव हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सोच रहे होंगे कि कौन सा विषय आकांक्षा मैम बोलने वाली हैं? तो आज का विषय बहुत ही अनोखा है। आज का विषय है, जी हां, आज का विषय है आम। आम सभी फलों का राजा होता है, यह तो आप सबको पता है। यह बहुत ही रसीला होता है और यह सिर्फ गर्मी के मौसम में आता है। आम बच्चों को बहुत भाता है। तो चलिए आम से संबंधित एक बहुत ही रोचक और मजेदार कविता सुनते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? मजा आया ना? अब मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाती हूँ। इस कविता में एक 6 साल की लड़की अपने सिर पे आम की टोकरी रख के आम बेचने निकली है। वह सबको अपनी आम की टोकरी दिखा दिखा कर अपनी तरफ बुला रही है, पर वह अपने आम के दाम नहीं बता रही। तो बच्चों, ये बड़ी ही रोचक कविता है एक छोटी सी लड़की के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आम जो कि एक बहुत ही रसीला फल है और गर्मी के मौसम में पाया जाता है, इसके बारे में आपको अपने घर में चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? तो बच्चों, आम से हम क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं, आम से हम क्या क्या व्यंजन बना सकते हैं, इस बारे में अपने घर में जरूर चर्चा करिएगा। और इस कविता को और इस प्रश्न के उत्तर को रिकॉर्ड करके हमें जरूर भेजिएगा। तो बच्चों, हमें आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अब अगली क्रिएटिव हिंदी की क्लास में एक नई कविता के साथ।